hate to leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the bud and drive real far. Put that record on me. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं मृणाल और हम आ चुके हैं MG लखनऊ की तरफ से। ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, MG ग्लॉस्टर 4x4 ऑफ रोड इवेंट, देख सकते हो आप। तो मैं आपको एक वॉक अराउंड देने वाला हूँ दिस टाइम, बट नॉट ऑफ द कार बट ऑफ द ट्रैक इन दिस ग्लॉस्टर, एंड आई विल शो यू हाउ केपेबल दिस मशीन इज। बहुत लग्जूरियस लगती है, बहुत से टेक इनेबल्ड एंड फीचर्स इसमें आते हैं लोडेड, बट कितना ऑफ रोड फोकस्ड है ये और कितना केपेबल है ऑफ द रोड, ये हम टेस्ट करने जा रहे हैं। सो इट गेट्स अ 2 लीटर ट्विन टर्बो इंजन एंड इसमें अराउंड 215 BHP 480 Nm टॉर्क आता है। काफ़ी अच्छा एक टॉर्क आउटपुट आपको मिलने वाला है इस कार में। गियर नॉब आप देख सकते हो कितना क्लासी सा है, बट गियर नॉब के नीचे आप देखोगे क्या कुछ फीचर्स आते हैं। लॉक डिफरेंशियल्स आता है, 4x4 लो रेंज, आपको बॉग वार्नर का आता है जो कि काफ़ी फेमस है। तो देखते हैं कितना केपेबल है दिस कार। इज लग्जूरियस बट एट द सेम टाइम वेरी केपेबल। आप देख सकते हो रोड्स कैसे हैं आगे के, रोड्स इनफैक्ट हैं भी नहीं एंड कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो रहा है सच। मैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको बताऊं तो बहुत ही कम दिया हुआ हूं और आराम से कार क्लाइम कर रही है। यहां पे थोड़ा सा लूज ट्रैक है, तो देख सकते हो कितना केपेबल है। ऑल द फोर व्हील्स इंटेलिजेंट ऑटो मोड में था अभी ये, एंड वेरी इजिली इट टुक होल्ड ऑफ दैट सैंड। अब हम जा रहे हैं ट्रैक डाउन हिल एंड 360 डिग्री कैमरा आप ऑन कर सकते हो ऐसे ट्रैक्स पे। काफ़ी लूज सैंड है बट बहुत अच्छे से होल्ड कर रखा है कार। इसमें हिल होल्ड भी आता है आपको, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड, एवरी थिंग इज़ देयर। वेरी स्मूथली दिस कार हैज़ क्रॉस्ड दिस ऑब्स्टिकल। नाउ टाइम फॉर द नेक्स्ट वन, एंड वहाँ आप देख सकते हो नाउ दिस वन इज़ द अप हिल। सो अभी M1 है, we'll gain the momentum, then we'll switch to M2. वो कार निकल गई। तो गाइज देख सकते हो आप कैसा स्टीप सा एक अपहिल जा रहा है, वहाँ पे हम क्रॉस करने वाले हैं। सो यस, रेडी सेडी गो। वेरी स्मूथ। तो इस कार में आप देख सकते हो लग्जूरियस तो है ही है, बट जो आप एक्सपेक्ट नहीं कियोगे जिस लेवल का ऑफ रोड ये कर सकती है वो आज मैं दिखा रहा हूँ आपको। हालांकि जो कस्टमर्स हैं इसके वो शायद से ना ले जाएं, शायद से वो खुद ना बिलीव कर पाएं कि ये ऐसा कुछ भी कर सकती है, एंड इवन वी वर सरप्राइज्ड। वेरी केपेबल। मीनवेल मैं आपको बता दूं यहाँ पे लॉक डिफरेंशियल है। लॉक डिफरेंशियल का क्या काम होता है, इफ़ इन केस कोई सा भी टायर ट्रैक्शन लूज कर रहा है वो हवा में है तो वहाँ पे पावर ना देके लॉक डिफरेंशियल क्या करता है, यूजलेसली जो पावर वहाँ पे डिलीवर हो रहा होता है उसको कट डाउन करता है। जिस भी व्हील पे ट्रैक्शन है वहाँ पे पावर डिलीवर करता है सो दैट आप इजीली वहाँ से निकल पाओ। तो व्हील आर्टिकुलेशन काफ़ी अच्छा है इस कार का, बाहर से देखोगे कुछ शॉट्स मैं ऐड करूँगा तो कैसे ये फंक्शन करता है वहाँ पे आपको समझ आएगा। आगे में वो है ट्रैक तो वहाँ पे भी मैं आपको एक बार समझाऊंगा, तो उस टाइम मैं लॉक डिफरेंशियल ऑन कर दूंगा। हालांकि ऑटो में है तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये मैनुअली आप यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ दोज थिंग्स। सुधीर सर ट्रैक क्लियर है?
सो नाउ द ट्रैक इज क्लियर, चलते हैं। फुल ऑन लूज सैंड है और अभी हाईवे टेरेन टायर्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि 80 है, बट स्टिल इट इज परफॉर्मिंग सो वेल। नाउ दिस इज द ट्रैक, एक्सट्रीम एंगल डिक्लाइन, हिल डिसेंट असिस्ट इसमें आपको दिखेगा काम करते हुए, एंड आप सोच नहीं सकते हो ऐसा डिक्लाइन है ये। सो 360 डिग्री कैमरा ऑन करने का टाइम आ चुका है। ये फीचर काफ़ी हेल्पफुल आ जाता है आपको जब ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल आपके सामने आता है, एंड 45 डिग्री का डिक्लाइन इसमें मिलेगा आपको। मैं कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर दूंगा, एक बार मैं इधर से एंगल चेक कर लूँ, रिवर्स करके थोड़ा सा और लेफ्ट रख सकते हैं हम लोग। या सो वी आर गुड टू गो, थोड़ा सा और लिफ्ट कर लेते हैं। द कार इज़ वेरी वाइड और उस हिसाब से आप देखोगे तो गूज बम्स आ जाएंगे, हार्ट बीट तेज हो जाएगा, कुछ ऐसा सा ट्रैक है। बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है MG लखनऊ ने, काफ़ी अच्छा काम दिखाया है यहाँ पे, काफ़ी मेहनत किया है। सो नाउ वी आर गोइंग डाउन द हिल एंड 45 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा आपको, हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन हो जाएगा। या सो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई करता रहेगा। खुद से ही ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं सो दैट ज़्यादा स्पीड में रोल ओवर ना हो जाए। तो दिस इज समथिंग यूनिक एंड वेरी नाइस, काफ़ी केपेबल बनाता है इस कार को। नाउ दिस इज द ट्रैक क्रॉलिंग ऑब्स्टिकल, यहाँ पे क्या होने वाला है कि डिफिकल्ट टेरेन है थोड़ा सा, मतलब स्लाइट आप बोल सकते हो, स्लाइट डिफिकल्ट टेरेन, जहाँ पे लूज करेगा एक टायर अपना ग्रिप, बट आई थिंक आर्टिकुलेशन इतना अच्छा है, व्हील का जो ट्रैवल है वो इतना अच्छा है, इट इज़ वेरी ईजली क्रॉलिंग। नाउ दिस वन इज़ द ट्रैक डिफरेंशियल लॉक, यहाँ पे मैं बताया था आपको जो डिफरेंशियल लॉक ऑन करना पड़ेगा, यहाँ पे वो फीचर काफ़ी काम आने वाला है। सो आई विल स्विच ऑन द डिफरेंशियल लॉक नाउ, ये ऑन हो चुका है एंड अब सही से पावर डिलीवर होगा, जो व्हील को पावर मिलना चाहिए उसको मिलेगा। एक टायर अभी पीछे वाला हवा में है, राइट साइड में। नाउ हम लोग आगे जाएंगे एंड अब आगे वाला हवा में, सो बहुत इजीली क्रॉल कर रहा है। कोई और कार होता तो शायद से काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता, बट दिस वन वेरी नाइस। नाउ द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल इज ट्रैक एक्सल बेंडिंग, वहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 37 डिग्री का ट्रैक का एक्सल बेंडिंग है। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर पाओगे इसका स्टेबिलिटी, नेक्स्ट ऑब्स्टेकल है एक्सल इन द एयर। गाइज ये देखो आप, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब रोड है ही नहीं, तो जो चैलेंज का नाम है रुकना नहीं, मूवमेंट में चलते रहे। गाइस सो दिस वाज समथिंग रियली गुड, टाइम फॉर सम एडवेंचर ड्राइव। सो गाइस ट्रैक्शन कंट्रोल हमने ऑफ कर दिया है एंड ड्राइव मोड इज स्पोर्ट्स मोड, वैसे इको मोड में ये टू व्हील ड्राइव में चली जाती है। इस बीस्ट को कैसे घुमाया जाता है, this is insane.
to see me now, cause lately you've been feeling down. You lay awake. So guys, time for next obstacle. और ये लग ही नहीं रहा है लखनऊ में, लग रहा है कोई रेगिस्तान में आ गए। देखो आप आगे को, वेरी स्मूथ गाइस। काफी लूज सैंड था बट इजीली निकल जाती है, तो काफी इंप्रेसिव है गाइस। द कार इज रियली नाइस एंड आई एंजॉयड द ड्राइव। वाटर वेटिंग कैपेसिटी 550 mm का वाटर वेटिंग कैपेसिटी भी है। ओवरऑल मेरे को काफ़ी मज़ा आया, आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड और कोई भी डाउट है इसके इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप वो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड वील मेक श्योर वी क्लियर। सो बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।